बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट टू या चैप्टर नंबर टू, डिफरेंशिएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.10। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पेरीमीटर 80 मीटर्स। इफ इट्स एरिया इज टू बी मैक्सिमम, अगर इसका एरिया का होगा भाईजान मैक्सिमम जी। फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी आपने डायमेंशंस निकालनी है। हैविंग पेरीमीटर 80 मीटर्स, उसकी पेरीमीटर 80 मीटर। इफ इट्स एरिया इज टू बी मेजर्ड इज टू बी मैक्सिमम, जब उसका एरिया क्या हो जन भाई जन मैक्सिमम हो जाए। लेट एक्स बी दी एक्स, लेट द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स मीटर जी। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स मीटर एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज वाई मीटर जी। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का गैप पी बराबर होगा 2x/2 है, बट पी हमारे पास कितनी बराबर 80 मीटर्स है जी। तो वी हैव 80 बराबर है 2x/2 है, तो एक्स में वाई बराबर 40 के, तो वाई बराबर होगा 40 - x, इसको 1 कह दीजिए। इफ ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जी, इफ ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला लगन चाहिए भाई लेंथ इन यूज 1 कर लें, क्योंकि इधर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। जब वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया बराबर होगा एक्स इंटू 40 - x, तो एरिया बराबर होगा 40x - x2 भजन। एरिया आपका निकलाया हम, ये फंक्शन हमने तैयार कर लिया। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला जी, डी ए बाई डी एक्स निकाला और डी टू ए बाई डी एक्स क्या निकाला, सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आपने डी ए बाई डी एक्स को 0 पुट किया जी भजन। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आपने डी ए बाई डी एक्स को क्या पुट किया 0 जी। वहां से एक्स क्या निकला आपका 20 जी। इसको पुट एक्स इज इक्वल 20 इन डबल डेरिवेटिव। वी सी डबल डेरिवेटिव डी टू ए बाई डी एक्स के नेगेटिव जी, -2 है ना, तो आंसर -2 आएगा विच इज लेस देन 0 जी। अगर नेगेटिव हो, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो एरिया क्या होगा मैक्सिमम जी भाई, एरिया क्या होगा मैक्सिमम जी। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले, अगर डबल डेरिवेटिव निकले नेगेटिव निकले, सो एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 20। सो एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल 20 जी भाई। एरिया मैक्सिमम कब होगा जब एक्स 20 होगा। हैंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर जी भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगी 20 मीटर के जी। पुट एक्स इज इक्वल 20 इन 1 जी, तो वाई बराबर होगा 20। सो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर जी, सो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, हैंस रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर 20 मीटर एंड 20 मीटर्स भाई। रिक्वायर्ड डायमेंशंस क्या होंगे 20 मीटर एंड 20 मीटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9, एन ओपन टैंक, एक ओपन टैंक है उसका ढक्कन नहीं है, ऑफ ए ऑफ स्क्वायर बेस, उसकी बेस स्क्वायर है ऑफ साइड एक्स और उसकी साइड क्या एक्स है, एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर भाई, कहता है इज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपने डेप्थ निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्स। इफ द एक्सपेंस ऑफ लाइनिंग द इन साइड ऑफ द टैंक विद लीड लेट विल बी लीस्ट, विल लेट होता है ये शीशा ठीक है जी, उसके अंदर आपने शीशा लगाना है और वो लीस्ट होना चाहिए जी भाई। फाइंड द डेप्थ ऑफ द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपने डेप्थ निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्स। इफ द एक्सपेंस ऑफ लाइनिंग द इनसाइड द टैंक इनसाइड ऑफ द टैंक विद लेड विल बी लीस्ट, जब वो जो शीशा वो क्या हो जाए लीस्ट हो जाए। सो सपोज द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज क्यू क्यूबिक यूनिट्स भाई, आपके पास क्या है गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है इज क्यू क्यूबिक यूनिट्स भाई। विड्थ ऑफ द बॉक्स क्या है हमारे पास विड्थ, सपोज द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज क्यू
क्यूबिक यूनिट्स एंड एच बी दी डेप्थ ऑफ द टैंक, और डेप्थ उसकी डेप्थ एच है जी। देन वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम बराबर होगा एक्स इंटू एच, तो वॉल्यूम बराबर होगा एक्स स्क्वायर इंटू एच। बट वी किसके बराबर है भाई जन, क्यू, वॉल्यूम किसके बराबर है क्यू, तो क्यू बराबर होगा एक्स स्क्वायर इंटू एच, यहाँ से एच क्या निकलेगा क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, इसको आप वन कह दें, एच निकलेगा क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, इसको वन कह दीजिए। इफ एस बी द एक्सपेंस ऑफ द लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक विद लेट, देन एस बराबर होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, वो क्या होगा भाई, एस बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एच एक्स वाई। अब यूज वन भाई जन, एच की वैल्यू हमारे पास क्या क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, तो एस हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर क्यू ओवर एक्स। वी वांट दैट एक्स फॉर विच एस इज मिनिमम, आपने एस को मिनिमम साबित करना है, एस को क्या साबित करना है मिनिमम, तो क्या करें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एस बाई डी एक्स होगा टू एक्स मनफी फोर क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, तो डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा जी, टू प्लस एट क्यू ओवर एक्स क्यूब। भैया आपने डी एस ओवर डी एक्स निकाला और डी टू एस ओवर डी एक्स क्या निकाला, वी हैव दिस फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, हमेशा सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट किया, भाई सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल क्या पुट किया जीरो, तो वहां से एक्स निकलेगा वो टू क्यू पावर वन बाय थ्री, भाई टू क्यू इंटू पावर वन बाय थ्री, आपने एक्स इज इक्वल टू टू क्यू पावर वन बाय थ्री इन डबल में डबल डेरिवेटिव पुट किया, वी हैव डी टू एस बाय डी एक्स क्या, वो आपका क्या निकला पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकलेगा सो एस इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू टू क्यू पावर वन बाय थ्री, भाई जन अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकले, अगर डबल डेरिवेटिव का निकले जी पॉजिटिव, सो एस इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू क्यू क्यू पावर वन बाय थ्री, दैट इज एक्सपेंस विल बी लीस्ट, एक्सपेंस लीस्ट कब होगा, इफ एक्स हमारे पास होगा टू क्यू की पावर वन बाय थ्री, एक्सपेंस लीस्ट कब होगा जब एक्स इसके बराबर होगा टू क्यू की पावर वन बाय थ्री, भाई एक्सपेंस लीज कब होगा जब एक्स हमारे पास करेगा टू क्यू की पावर वन बाय थ्री, भजन पुट एक्स बराबर है टू क्यू की पावर वन बाय थ्री इन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, यहां से एक्स क्यूब क्या निकलेगा भजन, एक्स में पुट करेंगे वो क्या एक्स क्यूब बाय टू ओवर भजन एक्स के, तो हल करने के बाद आएगा वन बाय टू एक्स, सो द डेप्थ ऑफ द टैंक इज वन बाय टू एक्स, भाई डेप्थ ऑफ द टैंक क्या है वन बाय टू इंटू एक्स, भाई डेप्थ ऑफ द टैंक हमारे पास क्या है वन बाय टू इंटू एक्स। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एग्जाम्पल वन, फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर निकालना है हूज सम इज नाइन, जिनका सम क्या हो जी नाइन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम जी, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जी जिनका सम नाइन हो जी, लेट एक्स एंड नाइन माइनस एक्स बी दी टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर, भाई एक आपने एक्स फर्ज किया और एक आपने क्या फर्ज किया नाइन माइनस एक्स, तो भाई आपने क्या करना है जी, गिवन हमारे पास सो रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट को सेकेंड के इनवर्स के स्क्वायर के साथ रख दीजिए, अब आपने साबित करना है ये क्या होना चाहिए विल बी मैक्सिमम, लेट इसको एफ एक्स बराबर कर लें एक्स इंटू नाइन मनफी एक्स का होल स्केच। अच्छा भाई जन फंक्शन तैयार हो गया जी, नाउ सिंगल डेरिवेटिव वो का फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, भैया सिंगल डेरिवेटिव तैयार करने के बाद ये आया जी, नाउ एफ डबल डैश एक्स डबल डेरिवेटिव यूनिट फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, भाई डबल डेरिवेटिव आफ्टर कैलकुलेशन आया जी सिक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स, भाई सिंगल डेरिवेटिव निकाला और डबल डेरिवेटिव निकाला, भाई फंक्शन हमारे पास है एक्स इंटू नाइन मनफी एक्स का होल स्केल, हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला जी एफ डैश एक्स निकाला और एफ डबल डैश एक्स निकाला जी, भाई हमने अपने प्रोसीजर के मुताबिक सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव निकाला जी, भाई जन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, भाई जन सिंगल डेरिवेटिव को आपने जीरो पुट किया थी, वहां से एक्स क्या निकलेगा नाइन और एक्स निकलेगा भाई जन सी, हेयर एक्स इज इक्वल नाइन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो वाई जीरो हो जाएगा जी, ठीक है जी, नॉट पॉसिबल बिकॉज नाइन माइनस एक्स का नाइन माइनस नाइन जीरो विच इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर जी,
लिहाजा टेक एक्स इज इक्वल टू थ्री जी भाई, सो टेक ओनली एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसको भाई जन डबल में पुट करे जी, डबल में पुट किया तो वी गेट माइनस 18 विच इज लेस देन जीरो जी। भाई अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले, अगर डबल डेरिवेटिव क्या निकले जी, सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू थ्री जी। सो टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक होगा एक्स और एक होगा 9 - x, वैल्यूज पुट करेंगे तो वी गेट 3 and 6, वैल्यूज पुट करेंगे वी गेट 3 and 6। एग्जाम्पल टू, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स ऑफ ए स्क्वायर बेस, जिसकी बेस का स्क्वायर होगी जी, हैविंग लार्जेस्ट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या हो जी, लार्जेस्ट हो, इफ द सम ऑफ वन साइड ऑफ द बेस विद इट्स हाइट इज 12 cm, इट्स हाइट कितनी है भाई जन, 12 cm। भाई व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, आपने उसकी डायमेंशन लंबाई चौड़ाई निकालनी है, ऑफ ए स्क्वायर बेस, जिसकी बेस का स्क्वायर होगी, हैविंग लार्जेस्ट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट, इफ द सम ऑफ वन साइड ऑफ द बेस एंड इट्स हाइट इज, और हाइट और बेस को बेसम करते तो किसके बराबर था, 12 cm के बराबर। लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द बेस इज एक्स सेंटीमीटर, लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द बेस बी एक्स सेंटीमीटर जी, एंड हाइट, एंड हाइट हमारे पास भाई जिनके आ जी वॉल्यूम होगा एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू एच जी। अब आपको पता है एक्स एम एच किसके बराबर है, 12 के, भाई दोनों साइडों को जमा कर 12 पर, तो एच हमारे पास 12 - x, तो वॉल्यूम बराबर होगा एक्स स्क्वायर इंटू 12 - x, वॉल्यूम होगा 12x² - x³। अब भाई जन फंक्शन तैयार होगा, सिंगल डेट निकालें एंड डबल डेट निकालें, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए सिंगल को 0 पुट किया, वहाँ से x की दो वैल्यूज निकली 0 और 8, ठीक है जी, 0 और 8। इन दिस केस x कैनॉट बी 0, जीरो नहीं हो सकता, क्यों, 0 ही होगा तो भैया वो सारा काम खराब हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू आपके पास निकला 8, इसको डबल में पुट करेंगे भाई, डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव निकला, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, भाई वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम का इफेक्ट हमारे पास होगा 8 cm, एंड हाइट हमारे पास क्या होगी जी, एच बराबर होगा 12 - x, वो निकलेगी 4 cm, भाई जब वो कितनी निकलेगी, 4 cm। लिहाजा वॉल्यूम ऑफ इज मैक्सिमम, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव निकले तो क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, भाई वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लिहाजा अगर एक्स हमारे पास 8 cm तो भाई हाइट हमारे पास क्या होगी, 4 cm, भाई जना हाइट हमारे पास क्या होगी, 4 cm।